तो आप अपनी टोपी पहनकर साइकिल पर बैठकर आपके बीच में आए, वादे किए, परंतु अब आप सभी ने, हमारे सभी युवा साथियों ने हमसे बोला कि भैया टोपी पहनकर आए थे और हमें ही टोपा पहनाकर चले गए, बहुत बड़े गद्दार निकले वो लोग। साथियों, जिस मुस्लिम समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था पिछले विधानसभा चुनाव में, आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, आप सब ये जानते हैं। परंतु रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ लोकसभा में बिल को फाड़ने के लिए ये लोग, इनके हाथ और जुबान सबसे तेज और सबसे पहले चलती है। वैसे तो सुना है ये भाई साहब आजकल एक एक सीट पर चार चार टिकटे बांट रहे हैं। जिस आदमी ने अपनी पार्टी नहीं संभाल पाया, जो आदमी अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहा, वो प्रदेश या देश कहां से संभालेगा। मानते हैं साथियों, ये आपकी जीत की हवा है। साथियों, ये आपकी जीत की हवा है। साथियों, ये वो समाजवादी पार्टी है, जब बहन जी अपना प्रत्याशी उतारती है तो ये अपना प्रत्याशी बदल देते हैं। वोट काटने का काम कौन कर रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। इन लोगों का काम है बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाना। ये गद्दार है, गद्दार। ये गद्दार खाली बहुजन समाज नहीं, ये अपने खुद कौम के गद्दार हैं। साथियों, ये सब समाज के गद्दार हैं।